हेलो फ्रेंड्स, विक्की बात बात रेड डेस्क क्रिकेट से। रेड डेस्क चैनल में नए जुड़े सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत थैंक्स और बहुत बहुत वेलकम। आप सबका एक बार फिर से थैंक्स कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और ये सब आपकी सपोर्ट से पॉसिबल हुआ है। आप सबका फिर से दोबारा थैंक्स। जो सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं उनकी नॉलेज के लिए बता दें कि रेड डेस्क एक इंफॉर्मेटिव चैनल है जो आपको हर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एज रिगार्ड टू क्रिकेट इक्विपमेंट्स जो जेन्युइनली फ्रॉम फैक्ट्री है, जो जेन्युइनली फ्रॉम मेकिंग पॉइंट है। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो क्रिकेट इक्विपमेंट के रिगार्डिंग, आप हमें वो व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि उसका वीडियो बना के आपकी वो सारी कंफ्यूजन दूर कर सकें जो आपके माइंड में चल रही है। आज एक बड़ा वीडियो है, उसका कारण यह है कि रेड डेस्क लेके आया है एक दिवाली मेगा कॉन्टेस्ट। उसके लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं ये वीडियो उन सब के लिए बनाऊंगा जो भी मेरे भाई सब कॉन्टिनेंट से यूएसए एंड कनाडा जाके क्रिकेट खेलते हैं और उस कंडीशन के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर सकूं आपके साथ। उसके बाद रीजन वाइज फिर और भी वीडियोस आएंगे कि यूके की कंडीशन में कैसे इक्विपमेंट चलते हैं और होने क्या चाहिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बहुत से रीजन्स में। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा एक हमारे पास आप सबका जो फीडबैक आता है उसका एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर सकें। तो आज का वीडियो कनाडा और यूएसए में जो मेरे भाई रहते हैं उनकी कंफ्यूजन ट्राई करते हैं कि अपने जितना भी एक्सपीरियंस है दूर कर सके। हम काफी देर से काम कर रहे हैं और इन जर्नल हमारे पास जो सबसे डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स आते हैं वो यूएसए एंड कनाडा से आते हैं और सरप्राइजिंगली ये कम्युनिटी इतने महंगे बैट बाय करती है पर सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाइड यही है। उसके कारण क्या हैं और उसके कारण को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसको स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकूं। आप वहां पे जो क्रिकेट खेलते हैं वो एक डिफरेंट एरिया में खेली जाती है, वहां पे हमारे हिसाब से कुछ स्पेशल बैट बनने चाहिए। ऐसा होता नहीं है, वहां पे जो बैट बिकते हैं जो इंग्लिश कंपनीज के जो बाहर की कंपनीज के बैट बिकते हैं वो काफी देर पहले वहां पे बन के जा चुके होते हैं जो काफी ड्राई हो चुके होते हैं, तो वहां पे बैट की कंप्लेंट आना जायज है। बट आप जो बैट यहाँ पे आके इंडिया से बैट लेके जाते हैं उसमें भी आप सेटिस्फाइड नहीं होते, आपने हर ब्रांड को फेल कर रखा है वहां पर। उसका रीजन ये है कि आपका जो रीजन है वो टोटली डिफरेंट है, उसके लिए आपके लिए जो बैट बनने चाहिए वो टोटली डिफरेंट प्रोसेस के होने चाहिए। होता क्या है कि आप हमारे पास आते हो, आप टॉप ऑफ द बैट लेके जाते हो, टॉप ऑफ द रेंज एक बैट लेके जाते हो, एक शौक होता है, एक कनेक्ट होता है इंडिया के साथ। आप सारा टाइम प्लान करते रहते हैं कि मैं इंडिया जाऊंगा वहां से बैट लेके आऊंगा, फिर एक शौक इन्वॉल्व हो जाता है। आप हमारे पास आते हो, आप कहते हो पाजी महंगे से महंगा बैट दो हमें, आप भी सोचते हो कि एक बार ही लेना है तो अच्छा ले जाए। ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है मैं बताता हूं। मेनली जो यूएसए एंड कनाडा में जो क्रिकेट खेली जाती है वो मैटिंग क्रिकेट है और बहुत जगह पे तो मैटिंग ऐसे लगाई जाती है कि फर्श के ऊपर मैटिंग लगाई जाती है। मैटिंग पे बॉल स्किट होता है, बॉल बहुत तेज आता है, उसका बैट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बहुत तेज पड़ता है। उसलिए आपके जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके जो बैट की प्रेसिंग काफी हार्ड होनी चाहिए। सेकेंडली आपकी जो समर्स भी होती हैं वो भी इतनी गर्म नहीं होती। गर्मियों में भी मैनी ए टाइम आपके ग्राउंड्स गीले रहते हैं जिससे बॉल में एक एड ऑन मॉइस्चर चला जाता है जिससे बॉल भारी हो जाता है। भारी बॉल जब बैट के ऊपर इंपैक्ट होता है तो बैट टूट जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके बैट टूटने का। तीसरा कारण ये है कि आपके पास टाइम नहीं होता, आप प्रॉपरली नॉक नहीं कर पाते। आप हमें कहते हैं कि आप नॉक कर दो,
नॉकिंग की सारी डिटेलिंग के वीडियो दो तीन पार्ट्स में पड़े हुए हैं, आप उसमें गो थ्रू होइए, आपको नॉकिंग का सारा प्रोसेस समय लग जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि नॉकिंग कितना बड़ा पार्ट प्ले करती है बैट की ड्यूरेबिलिटी में। एक ये भी कारण है। तीसरा कारण जो हमारा और आपका बिल्कुल सिमिलर है कि क्वालिटी ऑफ बॉल्स। आप आगे कहते हो कि जी हम 12-15 डॉलर का बॉल यूज करते हैं, ये वही बॉल है जो हम यहाँ पे 250-300-400 रुपए का बॉल यूज करते हैं, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी का बॉल। तो ये कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का बॉल नहीं होता और बैट आपने बाय किए होते हैं टॉप ऑफ द रेंज, तो वो कहाँ चलेंगे। तो ये सारे कारण हैं आपके बैट के टूटने के, आपके डिससेटिस्फाई होने के। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए? देखिए, हम सब सब कॉन्टिनेंट से खेल के गए हुए हैं, हमारे सबके अलग अलग आइडल हैं। कोई पाजी को फॉलो करता है, कोई कैप्टन कूल को फॉलो करता है और कोशिश करता है कि वही प्रोफाइल हम यूज करें। भाई वो बड़े प्लेयर हैं, बड़ी दुनिया है, अच्छी बॉलें हैं, वो लेवल ही अलग है, हम उनके साथ मैचअप नहीं कर सकते। आपको करना क्या है, आप यहाँ पे इंडिया से गए हैं, मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडिया की बात करूंगा कि इंडिया में नॉर्मली जो बैट चलता है वो चलता है लो प्रोफाइल, लो स्वीट स्पॉट बैट। ये बैट इंडिया में इसलिए चलता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रैक्स ड्राई हैं, बॉल ऊंचा नीचा रहता है, बहुत चढ़ के नहीं आता, तो हमारे बैट्समैन को नीचे तक मीट चाहिए होता है, नीचे तक उसको बॉल हिट करती है, तो ये आइडल है इंडियन कंडीशन के लिए। लो प्रोफाइल या लो स्वीट स्पॉट बैट आप चाहे जितना मर्जी बैलेंस्ड बना लो, फिर भी समहाउ इसका वेट नीचे गिरता रहता है, ये नीचे गिरता हुआ फील करता है। तो ये प्रोफाइल जो आप इंडिया से यूज करते हुए गए हो, आई वोंट रिकमेंड कि इतना भार कैरी करना पूरी इनिंग के हिसाब से जब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके हर लेवल पे जहां पे भी मोस्टली मैटिंग क्रिकेट होती है बॉल चढ़ के आता है, तो इतना भार कैरी करना मैं एडवाइज नहीं करूंगा। आप ये जो एक्स्ट्रा एड ऑन वेट है आप इसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। आइडली आपके लिए क्या सूटेबल शेप है जो मैं रिकमेंड करता हूं आपके लिए कि आप एक मिडल प्रोफाइल बैट लीजिए, टो मोटी हो, क्योंकि आपकी जो बॉल नीचे भी रह जाती है वो इतनी तेज आती है कि अगर आपकी टो रेगुलर होगी जैसे कि इंडिया में सभी ब्रांड्स की होती है नॉर्मली, क्योंकि लो स्वीट स्पॉट होता है तो इटसेल्फ एक जान होती है, बट आपके वहां पे बॉल स्किट होता है, बॉल भारी है, नीचा रह गया बॉल, कोई एक आधी रह गया जो एक बिल्कुल टिकाने पे लग जाता है, बैट डैमेज कर देता है। तो दूसरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है थिक टो की। आप कोशिश कीजिए कि आप बैट कस्टमाइज करवाइए, आप हमें बताइए कि आपको थिक टो चाहिए तो हम वो बना के देंगे। और सिंस इसका जो प्रोफाइल है वो मिडल प्रोफाइल है थिक टो होने की वजह से, और मिडल प्रोफाइल होने की वजह से इसका बैलेंस इतना जबरदस्त बन जाता है कि आपको 12-20, 12-30, 12-50 तक के बैट भी कुछ नहीं कहते, आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। तीसरी जो एक मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल के बैट परचेज करिए कि मैं इस प्लेयर को अपना आइडल मानता हूं और मुझे सेम प्रोफाइल का बैट बना के दीजिए, मुझे सेम ग्रेड का बना के दीजिए, पाजी ये लो पैसे उठाओ, पैसे लो मेरे को वैसा बैट बना दो। भाई आप किसी को अपना आइडल मानते हैं, आप किसी के फैन हैं, बहुत अच्छी बात है, पर फैन होना अलग चीज है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग चीज है। वो बॉलें बहुत अच्छी यूज करते हैं, हमारी बॉलें वैसे नहीं है, हम वैसे बैट बाय कर लेते हैं। मैंने बहुत सी स्टोरी सुनी है, आप इतने महंगे बैट लेते हो, आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप एक मिडल ग्रेड बैट लीजिए, टाइट ग्रेन्स की तरफ मत जाइए। टाइट ग्रेन्स और वाइड ग्रेन्स का वीडियो हम कर चुके हैं, आप पूरा डिटेल से वो देख सकते हैं। वाइडर ग्रेन बैट्स थोड़ा सा ज्यादा चलता है एज कंपेयर टू टाइट ग्रेन बैट्स, बस जस्ट कि आपका आइडल नैरो ग्रेन बैट यूज करता है, आप भी करोगे भाई वो नहीं आपको चलेगा, क्योंकि आपकी और हमारी बॉलों की क्वालिटी वैसी नहीं है जैसे वो यूज करते हैं।
आपके वहां पे बहुत अच्छी लीग्स होती हैं जो टर्फ विकेट पे होती हैं, जो अच्छे लेवल की प्रोफेशनल लीग्स होती हैं। आप वहां पे जितना मर्जी महंगा बैट लीजिए, वहां पे वर्थ इट है। क्यों? बॉलें बहुत अच्छी हैं, ट्रैक बिल्कुल इवन है, तो वहां पे पैसे वसूल होते हैं। महंगा बैट क्यों नहीं लेना चाहिए? देखिए, महंगा बैट या टॉप एंड वुड जो होती है वो सॉफ्ट होती है, उसमें पंच बहुत ज्यादा होता है, बट वो पंच हमें तब मिलेगा जब बॉलें बहुत अच्छी होंगी। हमारी बॉलों की क्वालिटी है हार्ड, टॉप एंड वुड जो होती है वो सॉफ्ट। टॉप एंड वुड के ऊपर जब 200, 250 या 10, 12 डॉलर का बॉल लगता जाएगा, वो सरफेस उसका हार्ड कर देगा। और अगर हमने सरफेस हार्ड ही करना है तो हम टॉप एंड बैट क्यों लें? क्यों ना हम मिडल ग्रेड बैट लें, जो हमारी सिचुएशन हमारी कंडीशन के हिसाब से बेस्ट चलता है। और एक रीजन जो बैट टूटने का ये है कि आपको रख रखाव का जो सिस्टम है, आपके घर में हीटर्स हैं, एक नेचुरल एयर फ्लो नहीं है, आप हीटर्स में बैट रख देते हैं, बैट ओवर ड्राई कर जाता है, सीजन से ज्यादा चलता नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि बैट को एयरी और मॉइस्ट प्लेस के ऊपर रखें थ्रू आउट सीजन। आपका ऑफ सीजन हो गया, आप रैपिंग में मत रखें बैट, आप उसको खुला छोड़ दें, आपका बैट जरूर चलेगा। तो ये एक हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो एक बैट टूटने के रीजंस और आपके लिए बेस्ट सूटेबल क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। आप बैट को ऑर्डर करते टाइम मैं कोशिश करूंगा, या मैं आई विश कि भी आप कस्टमाइज बैट लें, आप बैट हमसे बनवाएं, हमसे बहुत महंगा बैट मत बनवाएं। आप कहिए कि मैं कनाडा और यूएसए में खेलना है, हमारे यहाँ पे बैट कंडीशन है, हमें आप अपने हिसाब से बैट बना के दीजिए और मेकर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे हिसाब से हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर बैट लेता है वो मोर देन सेटिस्फाइड होता है। बाकी हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम एक बार दो बार समझा सकते हैं, बाकी जो जिसकी विश है हमारे पास हर चीज अवेलेबल होती है। आप हमें करें कहें टॉप ऑफ द रेंज, हम टॉपेस्ट रेंज भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। आपके लिए जो सूटेबल थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब बारी है दिवाली मेगा कॉन्टेस्ट की। ये कॉन्टेस्ट बहुत ही ब्यूटीफुल होने जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा रेड एस का बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप एंड इंग्लिश विलो बैट। ये कॉन्टेस्ट इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें वर्ल्ड वाइड कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। पहले ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया के व्यूअर्स के लिए था, अब ये कॉन्टेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, कहीं पे भी आप हो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। हम आपको भेजेंगे रेड एस का टॉप ग्रेड इंग्लिश विलो बैट जहां पर भी आप रहते हैं। ये कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 3 क्राइटेरिया करने होंगे पूरे। एक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, फेसबुक पेज लाइक करना होगा, और हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना होगा। आप ये वीडियो आगे से आगे भेजिए सो दैट कि सभी को मौका मिल सके इस वीडियो में पार्टिसिपेट करने का और एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप ग्रेड इंग्लिश विलो बैट जीतने का मौका। तो इस कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है कि आपको उस प्लेयर का नाम गैस करना है जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था बट स्टिल वो मैन ऑफ द मैच बना। यू नीड्स टू गैस द नेम ऑफ द प्लेयर हु वॉज नॉट पार्ट ऑफ प्लेइंग 11 बट स्टिल गॉट मैन ऑफ द मैच अवार्ड। आपको अपनी एंट्रीज 22 अक्टूबर 2022 तक भेजनी है। हम विनर का वीडियो डिक्लेयर करेंगे दिवाली वाले दिन यानी 24th of October। आप इस वीडियो को आगे से आगे भेजें। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सो दैट सभी को मौका मिल सके इसमें पार्टिसिपेट करने का और एक मौका बन सके उनको एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप ग्रेड इंग्लिश विलो बैट जीतने का। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, आप ऐसे ही शेयर करते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम वो सारी क्वेरीज दूर कर सकें जो आपके माइंड में चलती है, जो आपके नॉलेज के लिए है। आप ऐसे ही बने रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।